हेलो एवरीवन, टुडे आई विल एक्सप्लेन हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिश पार। इन दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू हाउ द ब्रिटिशर केम इन इंडिया एंड दे हैव एस्टैब्लिश स्लोली दे हैव एस्टैब्लिश पावर टू टेरिटरी। कैसे वो ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, यहाँ टेरिटरी को अपने अंडर करना स्टार्ट कर दिया और कैसे उन्होंने पावर एस्टैब्लिश की यहाँ पे आके। हियर फर्स्ट जो औरंगजेब थे ही वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर। हेयर इट हैज रिटन लास्ट, मतलब जो औरंगजेब थे ही वो थे लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर। ठीक है, जो पावरफुल की बात की है, बट औरंगजेब के अलावा इसके बाद भी मुगल एम्परर आए हैं, जैसे कि जो बहादुर शाह थे जफर, ही वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर। बट जो औरंगजेब थे ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, उन्होंने अपना कंट्रोल किया हुआ था एक काफ़ी ज़्यादा लार्ज पार्ट पे, लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी दैट इज़ नोन एज इंडिया। तो उनकी डेथ के बाद 707 में जो काफ़ी ज़्यादा मुगल गवर्नर्स थे जिनको सूबेदार भी कहते थे और जो बिग जमींदार थे, उन्होंने अपनी अथॉरिटी को एजर्ट किया और अपने अपने रीजनल किंगडम उन्होंने एस्टैब्लिश किए, मतलब अपने आप को फ्री घोषित किया और अपने अपने रीजन्स उन्होंने एस्टैब्लिश किए वहाँ पे, अपने उन्होंने उन रीजन्स को अपने कंट्रोल में किया। तो काफ़ी ज़्यादा जो रीजनल किंगडम थे वो इंडिया के कई पार्ट्स में इमर्ज हुए। अभी जो दिल्ली था, दिल्ली दैट कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज अ इफेक्टिव सेंटर, वो भी एक इफेक्टिव सेंटर के रूप में वो फंक्शन नहीं कर रहा था, क्योंकि जो दिल्ली थे उसमें भी जो ज़मींदार थे, जो छोटे छोटे जो राजास थे, उन्होंने अपनी पावर को वहाँ अपने अंडर किया हुआ था उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रीजन्स को। सो बाय द हाफ सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी एक न्यू पावर एमर्ज हुई थी, तो दे आर कॉल्ड द ब्रिटिश। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ ट्रेडिंग कंपनी, वो एक ट्रेडिंग एक ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए थे, वो अट्रैक्ट हुए थे क्योंकि इंडिया उस टाइम पे क्या था, एक रिच कंट्री था और इसको सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो कैसे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो ब्रिटिशर थे उन्होंने अपना यहाँ पे अपना कब्ज़ा स्टार्ट किया था करना, ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, कैसे कैसे उन्होंने धीरे धीरे राजास को यहाँ के नवाब्स को अपने अंडर किया था, फिर कैसे उन्होंने पॉलिटिकली अपना कंट्रोल किया था, सोशली कंट्रोल किया था। यहाँ पे एक पिक्चर दी है। इन दिस पिक्चर औरंगजेब ही वॉज सॉरी बहादुर शाह जफर ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, उसका सन भी यहाँ पे है। तो उनको अरेस्ट किया गया था, कैप्टन हॉटसन ने किया हुआ था, आफ्टर वो 60 ईयर के बाद एक मुगल एम्परर बने थे। बट वो क्या थे, इतने एफिशिएंट मुगल एम्परर नहीं थे, जल्दी से उन्होंने जो ब्रिटिशर हैं जो वहाँ गवर्नर जनरल थे उनकी क्या किया था, उनके अंडर वो कंट्रोल में आ गए थे और उनका जो रूलिंग पीरियड था वो 1837 से 1857 तक था। नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ईस्ट में आई, एस्टैब्लिश हुई, वो हुई 1600 में। इन 1600 एक चार्टर्ड जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिखवाया था क्वीन एलिजाबेथ से, चार्टर्ड का मतलब होता है एक रिटर्न जो परमिशन होती है, वो उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से ली थी कि वो सोल राइट ट्रेडर होंगे इंडिया में, ईस्ट में आके वो अकेले क्या करेंगे, अकेले ही यहाँ पे बिजनेस करेंगे, उनका कोई राइवल्स नहीं होगा, नो राइवल्स, और उनको यहाँ पे सोल राइट ट्रेड करने का हक होगा। इसका मतलब ये है कि जो इंग्लैंड है वो किसी और कंपनी से कंपीट नहीं करेगा। तो इस कारण से जो ये चार्टर्ड है उन्होंने
जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ पे आके सस्ते दामों पे चीज़ें खरीदना चाहती थी, चीप प्राइसेस पे, और उनको फिर से यूरोप में लेके उनको हायर प्राइसेस पे बेचना चाहती थी। तो जैसे उनका सोल राइट था, तो उनको कोई भी फेयर नहीं था किसी भी राइवल का, किसी भी कंपिटिटर्स का, कि वो उनको आके कम्पीट करेंगे। तो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनी जो थी उनका, वो इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्रिमरली। उनका एक जो मोटो था कि जो जितना भी प्रॉफिट है उनको ही मिले बिजनेस करके। मर्केंटाइल मीन्स कि जिस जिन कंपनीज को कोई फेयर नहीं होता अपने राइवल्स का, जो बेनिफिट होता है उनका ही होता है अपना, ठीक है। और वो यहाँ से आके गुड्स को चीप प्राइस पे खरीद के यहाँ पे लेके कॉस्टली दाम पे वहाँ पे इंग्लैंड में उनको सेल करेंगी। जो रॉयल चार्टर था, उन्होंने दूसरी जो यूरोपियन पावर्स थी उनको इंडिया में एंटर करने के लिए उनको रोक लगाई हुई थी। तो जो रॉयल चार्टर, जो इंग्लिश जो कंपनीज था, उनका जो फर्स्ट जो शिप सेल हुआ था वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से होता हुआ केप ऑफ गुड होप से इंडिया में क्रॉस किया था। तो उन्होंने देखा, जो इंग्लिश जो ब्रिटिशर थे उन्होंने देखा कि जो पोर्टुगीज हैं उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे अपने बिजन अपना जो ऑफिस है वो एस्टेब्लिश किया है वेस्टर्न कोस्ट पे, जो कि गोवा में था। और जो वास्को डी गामा है जो पोर्टुगीज था, वो भी ऑलरेडी उसने एक्सप्लोर की कर लिया हुआ था 1498 में वे इंडिया में आने के लिए, ठीक है। तो बाय द अर्ली 17th सेंचुरी तक क्या हुआ, जो डच थे उन्होंने भी क्या किया था, एक्सप्लोर किया था इंडियन ओशन से, ट्रेड इन इंडियन ओशंस उन्होंने भी ये रास्ते एक्सप्लोर कर लिए हुए थे। जो जल्दी जो फ्रेंच ट्रेडर थे वो भी क्या होने लगे, यहाँ पे अराइव करने लगे। तो प्रॉब्लम क्या थी, इन जो पोर्टुगीज थे, जो डच थे, जो फ्रेंच ट्रेडर्स थे, वो सभी क्या करना चाहते थे, एक ही सामान को खरीदना चाहते थे, एक ही टाइप के सामान को, वो फाइन क्वालिटी के गुड्स और सिल्क यहाँ से परचेज करना चाहते थे। वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इंडियन स्पाइसेस में, जैसे कि पीपर, क्लोव्स, कार्डेमम्स एंड सिनेमम्स, वो भी यहाँ पे ग्रेट डिमांड में था। तो ये जो यूरोपियन कंपनीज थी ये एक दूसरे को क्या करने लगी, अब ये पुश अप करने लगी एक दूसरे को। और ये सभी क्या चाहती थी, यहाँ से प्रॉफिट अर्न करना चाहती थी, लेस प्राइसेस में सामान खरीदना चाहती थी, स्पाइसेस हो गया, सिल्क हो गया और कॉटन हो गया, और उनको अपनी कंट्रीज में जाके हाई प्राइसेस पे बेचना चाहती थी, सो दैट दे कैन अर्न द प्रॉफिट। सो द अर्ग टू रिसिक्योर मार्केटिंग देयर फॉर, इससे क्या हो गया कि जो ये सारी कंपनीज थी इन सब में एक दूसरे में बैटल्स होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे के जो शिप्स थे उनको डुबोना, सिंक करना स्टार्ट कर दिया, उनके रूट्स को ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जो समंदर से जो वो आते थे तो उनके जो सप्लाई ऑफ गुड्स था उनको रोकना स्टार्ट कर दिया। तो जो ट्रेड था अभी आर्म्स के बिहाफ पे होने लगा, तो मतलब एक दूसरे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें हथियार वगैरह रखने पड़े, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो ये ब्रिटिशर्स जो पावर्स थी, फॉर एग्जांपल जो पोर्टुगीज थे, जो डच थे, जो फ्रेंच थे, जो ब्रिटिशर थे, इन्होंने अपने जो ऑफिसेज यहाँ पे जो बनाए थे उनमें फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। फोर्टिफिकेशन मतलब होता है चारों तरफ अपने ऑफिसेज के आसपास दीवार बनानी स्टार्ट कर दी। अब ये जो उनके एफर्ट्स थे इंडिया में आके फोर्टिफिकेशंस बनाने के, ट्रेड को एनहेंस करने के, इससे क्या हो गया, वहाँ के जो लोकल नवाब थे, जो रूलर्स थे, अभी वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया उनमें आपस में, वो ये नहीं करने देना चाहते थे। तो इसलिए कंपनी को लगा कि अभी विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस
के बिना क्या है इंडिया में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो आगे देखते हैं हम क्या हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड इन बंगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया बंगाल में। तो फर्स्ट जो उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की वो हुगली नदी जो है हुगली रिवर के बैंक के पास स्टार्ट की 1651 में। ये एक उनका बेस ऑफिस था, बेस जो बनाया उन्होंने। तो ये एक इन्होंने बेस कैंप बना लिया, कंपनी ने बेस बना लिया ट्रेडिंग करने के लिए। तो जो कंपनी था उन्होंने अपने वेयर हाउस एस्टेब्लिश किए, ठीक है, बंगाल में, जहाँ पे गुड्स को क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट करने के लिए स्टोर किया जाता था। और ये किए थे कंपनी के ऑफिशियल्स ने सेट किए थे, ये वेयर हाउस जो होते हैं यहाँ पे गुड्स को, सामान को स्टोर किया जाता है, फिर उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसे जैसे कंपनी का जो ट्रेड था वो एक्सपैंड होता चला गया, जो कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। और कंपनी ने जो ट्रेडर्स थे वहाँ के, जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, उनको राजी करना स्टार्ट कर लिया कि वो यहाँ पे आए और वो यहाँ पे अपना सेटलमेंट करें कंपनी के पास, गुड्स को यहाँ से उनको दें, खरीदें, बेचें। तो परसुएडेड मीन्स होता है कि राजी कर लेना किसी को भी, ठीक है। तो बाय 1696 तक क्या हुआ था, एक कंपनी ने बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। उस सेटलमेंट के आसपास एक किला बनाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो 2 साल के बाद क्या हुआ, ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल इनटू गिविंग द कंपनी जमीदार राइट ओवर 3 विलेजेस। तो जो कंपनी के ऑफिशियल थे उन्होंने मुगल जो ऑफिशियल्स थे उनको ब्राइब्ड मीन्स होता है रिश्वत दी कि वो जो कंपनी के जमींदारी राइट्स हैं वो किनको दे दे, ब्रिटिशर्स को दे दे। इसका मतलब होता है कि वो जो गुड्स को ले जाने में यहाँ से जो टैक्सेस लगते हैं वो माफ़ कर दें, ट्रेड ड्यूटी फ्री कर दें, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने जो मुगल ऑफिशियल थे उनको रिश्वत देना या और तरह से उनको मनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक जो था एरिया, वन ऑफ दीज वॉज कैलीकट, जिसको कोलकाता भी कहते हैं अभी, लेटर दैट इज कॉल्ड कैलकटा और कोलकाता जिसको बोलते हैं अभी। तो इट वॉज परसुएडिड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू द फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। उन्होंने अभी मुगल एम्परर औरंगजेब को भी मना लिया था, एक फरमान जारी कर दिया था। फरमान होता है एक रॉयल ऑर्डर, कि उनको मनाना शुरू कर दिया कि एक रॉयल ऑर्डर जारी करें कि जो कंपनी जो ट्रेड करती है बंगाल के साथ वो ट्रेड क्या होना चाहिए, ड्यूटी फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो जो मुगल एम्परर थे उन्होंने सिर्फ कंपनी को एक राइट दिया था ट्रेड फ्री बिजनेस करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, बट जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे टैक्स फ्री उन्होंने जो ट्रेडिंग था वो करना स्टार्ट कर दिया। तो द कंपनी ट्राइड कॉन्टिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन। अभी कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे वहाँ के जो नवाब थे, औरंगजेब था या और नवाब थे, उनसे धीरे धीरे और कंसेशन लेना स्टार्ट कर दिया, उनको मैनुपलेटिंग करना स्टार्ट कर दिया, जो उनके प्रिविलेजेस थे और लेने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो जो उनको पहले दिए हुए थे प्रिविलेजेस राइट्स उनको और उन्होंने मांगना स्टार्ट कर दिया, उनकी जो डिमांड्स थी वो और बढ़ गई। द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री टैक्स, जिसमें कि कोई टैक्स नहीं लगता है, बट अभी कंपनी ने सिर्फ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ड्यूटी फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो जो मुगल एम्परर थे उन्होंने सिर्फ कंपनी को एक राइट दिया था ट्रेड फ्री बिजनेस करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, बट जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे टैक्स फ्री उन्होंने जो ट्रेडिंग था वो करना स्टार्ट कर दिया।
तो द कंपनी ट्राइड कॉन्टिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन. अभी कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे वहाँ के जो नवाब थे, औरंगजेब था या और नवाब थे, उनसे धीरे धीरे और कंसेशन लेना स्टार्ट कर दिया, उनको मैनुपलेटिंग करना स्टार्ट कर दिया, जो उनके प्रिविलेजेस थे और लेने स्टार्ट कर दिए. ठीक है, तो जो उनको पहले दिए हुए थे प्रिविलेजेस राइट्स, उनको और उन्होंने मांगना स्टार्ट कर दिया, उनकी जो डिमांड्स थी वो और बढ़ गई. द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री टैक्स, जिसमें कि कोई टैक्स नहीं लगता है, बट अभी कंपनी ने सिर्फ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ओनली ऑफिशियल्स को ही राइट दिया था जो टैक्सीज हैं उनको ड्यूटी फ्री करने का, बट जो कंपनी सॉरी और कंपनी को ही राइट दिया था, बट जो ऑफिशियल हैं उन्होंने भी ये प्रिविलेजेस लेना स्टार्ट कर दिया. तो उन्होंने क्या किया, दे रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस. तो इससे क्या होने लगा, जो बंगाल है उसका जो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू का लॉस हुआ, बंगाल्स के जो नवाब थे, जो मुर्शिद कुली खां थे, उन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कंपनी के अगेंस्ट. सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाफ चैप्टर ऑफ ट्रेड टू टेरिटरी. नाउ अनदर चैप्टर आई विल अपलोड द वीडियो सून. मीनवाइल यू वॉच दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ask me any question regarding this video. Okay, so meanwhile I am going to end this video. Thank you and have a nice day.